कर्फ्यू के दौरान जरूरी खाद्य सामग्री के परिवहन को रोक न होने के बावजूद भी सुंदरनगर में बीएमबी कॉलोनी पुलिस दादागिरी पर उतर आई है। एसएल थाना ने आज जीरो चौक में थोक विक्रेताओं द्वारा दुकानों व उपभोक्ताओं को घर द्वार वितरण को रोक दिया, जिससे 1000 लीटर दूध दही पनीर का वितरण प्रभावित हुआ। वही समय पर पेय पदार्थ न पहुंचने से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों का कहना रहा कि दूध न पहुंचने से घर में जहां छोटे बच्चों को दूध नहीं मिल पाया, वही बड़ों को चाय तक नसीब नहीं हुई। वितरक अश्विनी हांडा ने बताया कि उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात करवाई, लेकिन वे नहीं माने और वितरण को रोक दिया। वही सभी क्रेट समय पर खाली ना होने से वापसी वाहन को उन्हें ले जाने में भी दिक्कत आ रही है। मामले पर थाना प्रभारी प्रकाश चंद का कहना है कि संबंधित पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹ नहीं बोला तो छः से नौ है जो अभी जब हम हाँ जी ये हम सर बाहर नोट कराए थे ना थाने में अपने नंबर नोट कराए थे वो सब कुछ कराए थे पर ये बोल रहे सर नहीं 10 बजे के बाद ही आओ आप बोल जी आपको क्या दिक्कत आ रही है सर एक्चुअली हमने थाने में भी सब कुछ लिखा दिया अपना सारा जो बायोडाटा था हमने सारा लिखा व्हीकल नंबर भी लिखा दिया है एस एच साहब से हमारी बात होती है कहते हैं आप 6 से 9 तक बेच सकते हो पर सर हमें एक्चुअली वो पुलिस वाले बोलते हैं अभी वापस जाओ ना बेचो हमने इतना सारे 700-800 लीटर दूध आया है अभी फूड इंस्पेक्टर जी से बात हुई हमारी वो कहते हैं मैं SDM साहब से बात करके बताता हूँ आपको क्या है तो हमें दिक्कत आ रही है सर हमने कब कलेक्शन करने पैसे गाड़ी तो अभी पेमेंट लेके चली जाएगी तो 800 लीटर सर ये 40,000 का दूध है यहाँ पड़ा हुआ नहीं सर दूध हमने बंद कर दिया यहाँ पे जब से प्रशासन ने बोला है हमने मना कर दिया है कि यहाँ गैदरिंग नहीं करनी है हम डोर टू डोर दे रहे हैं दुकानदार घर में पहुँचा रहे हैं दूध एक ही व्हीकल की हमें परमिशन मिली है एक व्हीकल की परमिशन बड़ी दिक्कत आ रही है सर क्योंकि इतना दूध बांट रहे हैं एक व्हीकल उतना ही सामान जाता है एक पर्सन को देने के लिए हमें 2-2 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं लोग सर लोग तो हम घर में जैसे दुकानदार घर में छोड़ के आ रहे हैं उनको 8 बजे 7 बजे 8 बजे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक जो भी है टाइम हाँ जी सर अच्छा ठीक है साउंड बता दे सुबह 10 बजे से भी उनको जरा ने बोला है कि अभी आप नहीं करते फिर फूड इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी और वो कहते मैं खुद आ रहे हैं वो इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे नहीं तो आपने इनको बताया नहीं एसेंशियल कमोडिटी सब कुछ बता दिया इनको कि हमने वहाँ से एसएचओ साहब को वहाँ पे इवन वहाँ पे अपना कंप्लेंट बुक में भी इनकी वहाँ पे लिखा के आए थे व्हीकल नंबर भी लिखा के आया है सब कुछ लिखा के आया है अपने नंबर उन्होंने बोला कि एक ही बंदा सप्लाई करता है अभी हमें एक ही बंदा सप्लाई कर रहा है सर एक बंदा सप्लाई के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है तो अभी कितना लीटर दूध जो है डेली दूध दही वगैरह आ रहा है आपके सर दूध दही मिला के तकरीबन 800-900 लीटर बन जाता है दही दूध मिला के सर टोटल वैसे दूध आ रहा है 7-7.5 लीटर दूध आ रहा है दही दूध मिला के 1000 लीटर दूध बनता है तो अभी गाड़ी वापस लेने आए हुए जो नहीं बिका हुआ माल उसका क्या इनको भी दिक्कत सर इनको भी हमने पेमेंट देनी है ने भी जो सामान बचा हुआ उसको फिर नीचे उल्टा देंगे कैसे क्रेट कैसे सर अभी क्रेटों में डाला गाड़ी तो वापस चल जाएगी इन्होंने भी जल्दी जाना है हिमाचल फर्स्ट के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।